भाई मेरे जीजा देखो कोई दुकानों पे मेहनत में लगा हुआ है, कोई जमीनों में मेहनत में लगा हुआ है, कोई सोना हासिल करने में मेहनत में लगा हुआ, कोई मुल्कों पर कब्जा करने में मेहनत लगा हुआ, कोई सदर बनने में मेहनत लगा, ये सब अपनी ये अपनी हैसियतों को गिरा रहे हैं। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी ये दोस्तों इन्हें नुकसान होगा। हम ये बात अर्ज कर रहे हैं कि जिस अल्लाह पाक ने इस कदम हमें पैदा फरमाया, बस हम जो है उसको वो क्या चाहता उसको पूरा करेंगे। हम दुकानों को नहीं देखेंगे, समझे, अपने जैसे इंसानों को नहीं देखेंगे, बल्कि किसको देख, अल्लाह को देखेंगे। इसीलिए हमने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह किसी से नहीं होता, अल्लाह से होता। अबू जहल कहने लगा कि जब बारिश की जरूरत होती है तो बारिश के बुत की पूजा करते हैं, बीमारी की सेहत में जरूरत होती है तो बीमारी के बुत की पूजा करते हैं, और जब जंग में फतेह की जरूरत होती है तो जंग के बुत की पूजा करते हैं। तो एक अल्लाह सब कर देगा। आपने इरशाद फरमाया क्या, एक अल्लाह सब कुछ कर देगा। भाई मेरे अजीजों देखो, अल्लाह पाक ने अपने एक हुक्म से सातों आसमान बनाए। ये इस जो दुनिया है सातों आसमानों से फायदा उठाने के ऊपर अपनी कुवत को खर्च करके जाहिर करने में लगे हुए। जिस अल्लाह पाक ने बनाया है उस पाक जात से फायदा उठाने में नहीं लगे हुए कि वो पाक जात उससे फायदा उठाना क्या, जिस वक्त अल्लाह पाक जो कुछ चाहता है हमें उसे पूरा करना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका तरीका बता दिया कि उस तरीके से पूरा करो, लेकिन सबसे पहले जो मेहनत करनी पड़ेगी वो इस पर मेहनत करनी पड़ेगी कि अल्लाह है और उसी के हाथ में सब कुछ है। इसे एक जुबान से कहना, एक है दिल में उतारना। हमारा सुबह हर आन घड़ी हर वक्त की सोच फिक्र ये होगी कि जितने दुनिया के बादशाह हैं वो अपनी ये फिक्र बनाए कि अल्लाह अल्लाह है, वो हमसे क्या चाहते हैं, उसे हमें पूरा करना है और सारी दुनिया के इंसानों को उसके पूरा करने पे तैयार करना है। ये है हमारा काम। फकीर का भी यही काम है, बादशाह का भी यही काम है, समझे, इन उलमा का भी यही काम है, इन पीरों का भी यही काम है, समझे, जो असल काम है। भाई मेरे दोस्तों जब इसको करेंगे हम अख्ताला शान उसके, जैसे हमारा मरीज बहर कह रहे थे ना कि मेरे बनाओगे तो अल्लाह के साथ तुम्हारा ताल्लुक कायम हो जाएगा, फिर अल्लाह ताला तुम्हें सिफात अता फरमाएगा। समझे भाई मेरे दीनों, उसके मुताबिक अल्लाह शान हमें सिफात नसीब फरमाएगा जब हम अल्लाह को मकसूद बनाएंगे और सारी दुनिया के इंसानों को कहेंगे कि किसी को मत देखो, अल्लाह को देखो, रो रो के मांगो अल्लाह पाक से कि या अल्लाह तू हम पे मन खोल दे इस बात का कि इसे तू हमसे क्या चाहता है। हम तेरे चाहने को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पूरा करेंगे। बादशाह को इसी पैदा है कहना कि तुम नुकसान में जा रहे हो, वजीरों को तुम्हारे दुकानदारों को ये जितने तुम्हारे जिनमें भी हमें कारखाने चलाने वाले हैं ये सब नुकसान में जा रहे हैं, सब जितने भी यही हैं, ये दुकानों पे जो मेहनत करने वाले हैं सब नुकसान में जा रहे हैं। क्यों, इनकी बुनियाद ये है कि दुकान चलेगी जब काम बनेगा,
ये नहीं, नहीं। जिस वक्त अल्लाह पाक जो कुछ चाहता है, अल्लाह ने जो कुछ चाहा हम उसको पूरा करेंगे, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहती है इसे पूरा करेंगे। यह है नबियों का काम, और यही काम अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से, यही काम जिसने कलमा पढ़ा उसका अल्लाह ने उसका भी यही काम बना दिया महज अपने फजल करम से। तो आप जितने भी हैं यहाँ पर, जो ही आप अपने आप को जो भी अफ्रीका का मत समझो, ये अपने जोरों से अपने आप को जोरों ना समझिए, बल्कि अपने आप को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत ही समझे, और सारे आलम के इंसानों के लिए भेजा हुआ समझे। हम सारा आलम हमारे सामने, सारे आलम के बादशाह हमारे सामने, बुजुर्ग सामने, सदर हमारे सामने, सब नुकसान में जा रहे, समझे। उनको कहो तुम जिस अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया उसकी तरह देखो, रो के कहो अल्लाह तू ही सब कुछ है, हम जो तू चाहेगा हम वो चाहेंगे, तू जो कुछ चाहेगा हम वो चाहेंगे, हमारे सारे चाहने खत्म। हम बीवी के चाहने को नहीं देखेंगे, कौम के चाहने को नहीं देखेंगे, किसी के चाहने को नहीं देखेंगे, अल्लाह पाक के चाहने को देखेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे अल्लाह के चाहने को पूरा फरमाया वैसे पूरा करेंगे। भाई समझ में भी आएगी नहीं आई बात? अभी अंडरस्टैंडिंग व्हाट हाजी साहब इज सेइंग? ऑल ऑफ यू इज आस्किंग यू, यू अंडरस्टैंड? ये बात अर्ज कर रहा हूं, आप रात अपने आप को दुकानदार कहना छोड़ दें, और ये सूरती और भरोची कहना छोड़ दें। ये अल्फाज नुकसान वाले हैं जो तुम्हें कमर में परेशान करेंगे, और तुम्हें वहां जाके नुकसान का पता चलेगा, और वहां कुछ नहीं कर सकोगे, कुछ नहीं कर सकोगे। अल्लाह ने तुम्हारा इस्लाम लाने के बाद जो कोई अपने आप को किसी और इसमें से कहेगा वो दोजख में जाएगा। एक शख्स बोला यार सुनना, अगर नमाज पढ़ता हो और रोजा रखता हो, आपने इरशाद फरमाया कहा जब भी अल्लाह ने तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा है, मोमिन रखा है, समझे, तुम सारे के सारे मुस्लिम हो, मोमिन हो, समझे, सारों को ये कह रहे हो, इसे उतारो दिल में, ये अल्लाह है, समझे, अल्लाह पाक जो चाहेगा हम उसे पूरा करेंगे, और सारी दुनिया को उस फैलाने की मेहनत करेंगे, ये हमारा काम है। जब ये हमारा काम है तो अल्लाह पाक अपनी सिफात के साथ खुद हमारे साथ है, किसी के साथ होने की जरूरत नहीं, समझिए, खुद अल्लाह हमारे साथ है। अब हम इसके खिलाफ सारी हुकूमतें भी कह नहीं पाएंगी, अल्लाह पाक या हिदायत देगा या उनको खत्म कर देगा, सबको खत्म कर देगा। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इन बेचारों को जितने यहां के रहने, सारी दुनिया में जो रहने वाले हैं उनसे कहो भाई देखो इसे दिल में उतार लो, अल्लाह है, हम वो करेंगे जो अल्लाह पाक हमसे चाहेगा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरीके से पूरा फरमाया, अल्लाह के चाहने को ऐसे पूरा करेंगे। जो ये कहेगा फिर अल्लाह शानो उसे अपना चाहना जाहिर फरमाएगा कि अब ये करो, अब ये करो, समझे भाई। तो हर हर हाल में, हर जगह, हर वक्त, हर वक्त
تعالیٰ ذہنوں پر کھول دے گا. بس ہمارا کام کیا ہے, ہمیں سارے آدمی کو, پہلے نبیوں کو اللہ نے بھیجا کسی قوم کے لیے, کسی ملک کے لیے, کسی زمانے کے لیے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سارے عالم کے انسانوں کے لیے. اس لیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا, خود بخود اس کے اوپر سارے عالم کی ذمہ داری آ گئی. مخلف الرحمان اپنے آپ مدرسے کا ذمہ دار سمجھتے, ارے گڑبڑ کرتے, سارے عالم کی ذمہ داری آ گئی. اب اگر اپنے آپ کو سارے عالم کے انسانوں کو اس پھیلانے کی ذمہ داری نہیں سمجھتے تو اس کا بے حد نقصان میں جاتے ہیں. ناظرین, امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آیا ہوگا. اس طرح کے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرے اور ساتھ میں بیل کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو مل سکے. شکریہ.